नमस्कार, मैं आपके साथ अंजलि चौहान। नेशनल इंडिया न्यूज के दिल्ली मेट्रो एनसीआर बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। लाखों केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स के लिए खुशखबरी, महंगाई भत्ते की बकाया 3 किस्तों का भुगतान होगा जल्द। केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा फैसला लिया गया है कि कोरोना संकट के समय रोकी गई लाखों केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगियों के महंगाई भत्ते की बकाया 3 किस्तों का भुगतान जल्द से जल्द किया जाएगा। इसके साथ ही केंद्रीय कर्मचारी को 1 जुलाई 2021 से पूरा महंगाई भत्ता भी मिलेगा। फ्लाइट में कोविड नियम न मानने वालों पर दिल्ली हाईकोर्ट सख्त, कहा ऐसे लोगों को नो फ्लाई लिस्ट में डाले। दिल्ली हाई कोर्ट ने कोलकाता से दिल्ली आने वाले यात्रियों द्वारा फ्लाइट में मास्क न पहनने पर सख्त संज्ञान लेते हुए DGCA को कड़े दिशा निर्देश जारी किए हैं। कोर्ट ने कहा है कि फ्लाइट में कोरोना नियमों का उल्लंघन करने वालों को प्लेन से उतार दें और उन्हें नो फ्लाई में डाल दें। अब किसानों से गोबर खरीदेगी केंद्र सरकार। छत्तीसगढ़ की गोधन न्याय योजना की तर्ज पर की गई सिफारिश लोकसभा में मंगलवार को पेश की गई एक रिपोर्ट में कृषि संबंधी स्थायी समिति ने केंद्र सरकार से छत्तीसगढ़ की गोधन न्याय योजना की तर्ज पर किसानों से गोबर खरीदने की योजना लॉन्च करने की सिफारिश की है। समिति के मुताबिक ऐसा किए जाने से किसानों की आय भी बढ़ेगी और रोजगार के अवसर में भी वृद्धि होगी। क्रेडिट लिमिट बढ़ाकर करोड़ों का गबन, गोला SBI केस की जांच CBI से कराएंगे CM योगी। UP के लखीमपुर खीरी की गोला SBI ब्रांच में हुए करोड़ों के गबन की जांच SBI से कराने का किया फैसला। 10,000 रुपए जुर्माने से बचना है तो 31 मार्च से पहले पैन को कर लें अपडेट। आधार को पैन के साथ लिंक करने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2021 है। अगर 31 मार्च तक पैन से आधार लिंक नहीं किया तो भारी नुकसान भुगतना पड़ सकता है। आपका पैन डीएक्टिवेट हो सकता है और इसके बाद इसके इस्तेमाल पर 10,000 रुपए तक का जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। यही नहीं, 31 मार्च से पहले कई काम आपको निपटाना बेहद जरूरी है। अगर आपने काम समय से पूरे नहीं किए तो आपकी जेब पर भारी असर पड़ सकता है। यूपी में ठेका सफाई कर्मियों को योगी सरकार का तोहफा, हर महीने 4 छुट्टियों के साथ बढ़ाया मानदेय। नगर विकास विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार मानदेय में बढ़ोतरी किए जाने के बाद हर महीने में 4 दिन छुट्टियों का मानदेय काटकर 8,758 रुपये प्रति माह मानदेय मिल सकेगा। अभी तक ये मानदेय करीब 8,012 रुपये था। बता दें, प्रदेश में अधिकतर नगर निकाय में 50% से ज्यादा सफाई कर्मियों के पद खाली चल रहे हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस ने 2 फिदायीन समेत 7 आतंकियों को IED के साथ किया गिरफ्तार। पुलवामा जैसा हमला करने की फिराक में थे। जल्दी से निपटा ले बैंक का काम, शुक्रवार के बाद 4 दिन नहीं निकाल सकेंगे पैसे। मार्च में करीब 13 दिन बैंकों में छुट्टी रहेगी। मार्च में लगातार कई त्योहार पड़ने, सेकेंड सैटरडे और बैंक के कर्मचारियों की हड़ताल के चलते छुट्टी रहने वाली है, जिससे सभी लोगों को पैसे निकालने में दिक्कत झेलनी पड़ सकती है। बिहार पुलिस में फायरमैन के 2,380 पदों पर भर्ती के लिए करें आवेदन। 25 मार्च तक जारी रहेगी एप्लीकेशन प्रोसेस। 7 दिनों तक OTP समस्या टली, टेलीकॉम कंपनियों को फिलहाल SMS फिल्टर बंद करने का निर्देश। नए SMS रेगुलेशन लागू होने से बड़ी यूजर्स को ट्रांजैक्शन के लिए OTP नहीं मिल रहे थे, लेकिन अब 7 दिनों तक यह समस्या टल गई है। दिल्ली मेट्रो NCR बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेशनल इंडिया न्यूज।